हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिकप्स के बारे में, हिचकी के बारे में। कई लोगों को कंटिन्यूसली 6 हिचकियाँ आती हैं। हिचकी आने के बाद उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। कई लोग कहते हैं हमको कंटिन्यूसली हिचकी आती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो पहले समय में तो बड़े बोलते थे कि आप उनको जाकर डराओ, किसी ने याद किया होगा इसलिए हिचकी आ रही है। लेकिन आजकल तो कई लोगों को ये करने के बाद भी ठीक नहीं होता। दोस्तों हम घर में ही कुछ उपाय करके बहुत अच्छी तरह से अपनी हिचकी दूर कर सकते हैं। सबसे लाभकारी उपाय मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगी, लेकिन ये फर्स्ट वाला टिप भी आप कर सकते हो। और बच्चे को, अगर छोटे से बच्चे को हिचकी आती है तो उसको हम है ना थोड़ा सा शहद चटा सकते हैं, उससे एकदम से बच्चे की हिचकी ठीक हो जाती है। दोस्तों हिचकी एक ऐसी चीज़ है, बच्चों को भी आती है, बड़ों को भी, एज नहीं देखती, अचानक से आ जाता है। तो दोस्तों जब हिचकी आती है तो अनकंफर्टेबल फील, ज़्यादा टाइम अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए आपको तुरंत अपने आप पानी पी लेना चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, वो लोग शहद पी। और दोस्तों तीसरा टिप है कि आपको है ना लेना है 4 इलायची, 4 छोटी इलायची, जो हरी इलायची आती है ना उनको 4 लेना है। आपको हमाम दस्ते में अच्छा सा कूट कर अच्छा कूट लेना है। उसके बाद आपको लेना है 500 मिलीलीटर पानी, उसको आपको इलायची और पानी को बॉयल करना है। और जब बॉयल हो जाए और 200 मिलीलीटर रह जाए, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर से 200 मिलीलीटर रह जाए उबल उबल के, उसके बाद आपको गैस ऑफ करके आपको छान के चाय की तरह पीना है। इसके एक बार आप करोगे, एक बार आप लोगे, ओनली वंस लोगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा हिचकी में, आप खुद देखोगे। लेकिन अगर वापस भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी आती है और बहुत टाइम से, तो उनको वापस हो तो वापस आप उसको रिपीट कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको 3rd टिप देना चाहूँगी, आपको करना क्या है, आपको लेना है अदरक। अदरक लेना है, आपके किचन में ही सब्जियों में, सब्जियों का राजा है अदरक। आपको लेना है अदरक का टुकड़ा, उसको आपको रखना है मुंह पर आराम से, जैसे सुपारी खाते आप धीरे धीरे खाते रहो अदरक को। उससे क्या होगा, आपकी हिचकी एकदम से गुम हो जाएगी। दोस्तों तीसरा, हम अब दूसरा एक लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी। हिचकियाँ अगर जब भी हमको, एक्यूप्रेशर भी बहुत काम करता है। जैसे दोस्तों दूसरी बार ये भी है कि एक और टिप हम कर सकते हैं, अंगुली को, जैसे हैंड मुद्रा थेरेपी बोलते हैं ना, तो हमको है ना कान के लिए अंदर करना है। तो क्या करना है, कान के अंदर हमको एक अंगुली डालनी है, अंगुली से प्रेस करेंगे तो अंदर एक नस दबेगी, जिससे हमारी, और अंगुली आपको सॉफ्ट तरीके से बस कान के अंदर एक अंगुली डालनी है, तो उससे क्या होगी, एक नब्ज दबेगी। लेकिन लाइटली दबाना है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस नहीं करना है। लाइटली दबाओगे तो आपको अंदर थोड़ी एक नस दब जाएगी, जिससे आपकी हिचकियाँ बंद हो जाती है। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूँगी, टिप देना चाहूँगी, जो आपने इलायची वाला पानी बनाया उसको 200 मिलीलीटर जब हो जाता है तो उसको आपको कपड़े छान, कपड़ा, साफ़ कपड़ा आपको रखना है। हो सके तो आप है ना मलमल का कपड़ा ले लीजिए, आजकल मलमल के कपड़े किसी के पास, सभी के पास नहीं होते, तो आप है ना एक वाइट रुमाल ले लीजिए, वाइट हैंकी, हैंडकरचीफ, उसके आप अलग से रख सकते हो। तो उसको आप है ना छान कर फिर चाय की तरह लेकर पीजिएगा। हेलो दोस्तों, दूसरा मैं एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि आप डीप ब्रीथिंग कीजिएगा। हमने ये सब आजमाया हुआ है और आपका जरूर फ़ायदा होगा। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं हिचकी करते करते, आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।